हाय फ्रेंड्स, कुकिंग विद साक्षी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रात की बची रोटी का ऐसा नाश्ता जो खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी है, जिसका नाम मिक्स वेज कोन है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास रात की बची दो रोटियां हैं जिसका हम कोन बनाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने रोटियों को कट कर लिया है। अब इसका हमको कोन बनाना है। ये मैंने मैदे का घोल बना लिया है। 2 चम्मच मैदा लेके इसमें पानी डाल के ऐसा घोल गाढ़ा सा बनाना है। कुछ इस तरह से हमें सारी रोटियों के फुलके चिपका लेने हैं। मैदे का घोल कुछ इस तरह से लगाना है और हमको इसका कोन बनाना है कुछ इस तरह से। ऐसे ही सारी रोटियों के कोन बनाने हैं हमें। हमारे कोन बन के रेडी हैं। अब इसको हमको 10 मिनट या 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, ताकि ये जो हमने मैदे से चिपकाया है वो पूरी तरह से सूख जाए। अब हम इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और तेल गर्म हो गया। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज, हम हल्का सा भूनेंगे। ये सारी सब्जियां हमको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो और भी कोई सब्जी डाल सकते हैं इसमें। इसको भी हमको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला 1 चम्मच। ये हमको चटपटा बनाना है इसलिए मैं चाट मसाला इसमें 1 चम्मच डाल दूँ। नमक 1/2 चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने ग्रेट करके पनीर रखा है और चीज। हमारी सब्जियां और मसाले मिक्स हो चुके हैं और चीज भी मेल्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चीज नहीं है तो बिना चीज के भी बना। हमारे स्टफ अब तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे और कुछ देर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये हमारे कोन सूख के पूरी तरह से रेडी हैं और हमारे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं। कोन के अंदर मसालों को कुछ इस तरह से भरना है हमें। मसालों को दबा दबा के भरना है इतना, ताकि हमारे मसाले अंदर तक भर जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कोन रेडी हो चुके हैं। अब बारी है इसको फ्राई करने की। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके कोन फ्राई करेंगे। सबसे पहले कोन को मैदे के कोन में ऐसे डिप करना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। अब इसको हम तेल में ऐसे डिप करेंगे हाई फ्लेम पे। दूसरा भी करेंगे। ऐसे ही करके सारे हमको कॉर्न्स को फ्राई करना है। कॉर्न्स में हम मैदे का घोल इसलिए लगाते हैं ताकि जो मैंने स्टफिंग किया है वो बाहर ना निकले। ये पूरी तरह से उसको कोट करता है। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और सारे कॉर्न्स को पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कॉर्न्स हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब बारी है गार्निशिंग की। सारे कॉर्न्स को हमको ऐसे ही टोमेटो सॉस में डिप करके भुजिया में डिप करना है। ऐसे ही गार्निश करना है सारे कॉर्न्स को। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? और नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन का बटन इसलिए दबाते हैं ताकि जो मैं नई नई रेसिपी यूट्यूब पर शेयर करूँ वो आप तक पहुँच सके और आप अपने घर में ट्राई कर सकें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।